रांची में कराटे का प्रशिक्षण दे रहे मनीष मिश्रा के सिमडेगा आगमन के दौरान जिले के अंतर्गत भरत कराटे एकेडमी के अंतर्गत हिलव्यू पब्लिक स्कूल सिमडेगा में बच्चों को कराटे का प्रशिक्षण दिया गया। लगभग 50 की संख्या में बच्चे तथा बच्चियां ने इस कराटे प्रशिक्षण में भाग लिया। मनीष मिश्रा ने कहा कि बच्चों के मानसिक विकास से लेकर शारीरिक विकास होगा तथा बच्चे जैसे इस प्रशिक्षण को करते हैं वे स्टेट लेवल नेशनल लेवल खेल के तथा नौकरी से लेकर हर तरह के अपने जीवन में कामयाब होने के लिए कराटे का प्रशिक्षण ले सकते हैं। आज के समय में बच्चों को कराटे से स्कॉलरशिप भी मिलता है ताकि बच्चे स्कॉलरशिप से आगे बढ़ सके और बच्चों को कराटे का बेहतर प्रशिक्षण मिले तो बच्चे आगे जाकर और कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इस स्कूल के डायरेक्टर सर को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे इस स्कूल में कराटे का प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया गया। सर, इससे फ़ायदा ये होगा, बच्चों का मानसिक विकास से लेके हर विकास शरीर का होता है और बच्चे जैसे ही यहाँ प्रशिक्षण करते हैं और स्टेट लेवल नेशनल लेवल खेल के और नौकरी से लेके हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में बच्चों को कराटे से स्कॉलरशिप भी मिलता है कि बच्चे उससे वो स्कॉलरशिप से आगे बढ़ सकें और इसका बेहतर प्रशिक्षण मिले तो बच्चे आगे जाके और कुछ भी कर सकते हैं। आज हिलव्यू पब्लिक स्कूल सिमडेगा में मनीष सर जो कि मास्टर ट्रेनर है रांची से आकर के कराटे के लिए उनको इनॉग्रेशन किए, आज उन्होंने शुरुआत किया। बहुत अच्छा रहा, काफ़ी बच्चों ने एंजॉय किया। एक सेल्फ डिफेंस की टेक्निक को उन्होंने बताया, बच्चों के साथ में साझा किया और यह एक ऐसी टेक्निक है जो कि बच्चों को इनर स्ट्रेंथ, उनका अनुशासन और हर एक चीज़ को डेवलप करेगा और साथ में ही बच्चों को सेल्फ डिफेंस के लिए जो कि आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है उसके लिए भी बच्चों को ट्रेन करेगा। ऐसा मानना है कि स्वस्थ बच्चे स्वस्थ देश स्वस्थ राष्ट्र। इसी के साथ में हम लोग अनुशासित बच्चों को रखने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें यह एक विद्या है जो कि हमेशा हम लोगों को सहयोग देती रहेगी। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।